Hello friends and welcome back to Edutify YouTube channel. I hope you all are doing well. So today this video is going to be dedicated to aspirants who are preparing for RRB Group D examinations. तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेलवे बोर्ड examinations की, क्योंकि अब ये वाला एग्जाम आने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस examinations की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो हमारा ये आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स को डिवोटेड है कि वो किस तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशंस को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं वाइल मेकिंग यूज ऑफ द Edutify प्लेटफॉर्म. सो जैसा कि आप देख सकते हैं Edutify.com हमारी वेबसाइट ऑलरेडी ओपन हो रखी है, जिसमें हम डेली अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर एक एग्जाम को लेकर के. आप सबको अब तक पता ही चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करा रहे हैं, जिसमें कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं एंड वेरियस क्लास एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं. सो चलिए हम लोग देखते हैं आरआरबी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं. सो जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, सो दैट फर्दर हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए एंड आप ईजिली एक्सेस कर सकें. सो जैसा कि आप देख सकते हैं रेलवे एग्जामिनेशंस को लेकर के हमारे पास आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी का एग्जाम की प्रिपरेशन है, आरआरबी जेई सीबीटी 1, आरआरबी जेई डी 3, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी, आरआरबी एनटीपीसी 3. तो ये सारे एग्जामिनेशंस की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं. हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट सब अवेलेबल है. तो चलिए हम लोग आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन का देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग करेंगे. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड है, जो कि आपका स्कोर मिनिमम 40% इम्प्रूव करेगा. यस, मिनिमम 40% वी आर क्लेमिंग कि मिनिमम 40% आप अपना स्कोर इम्प्रूव करेंगे अगर आप Edutify प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट अवेलेबल है, फुल मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एडवांस टेस्ट अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, चैप्टर टेस्ट अवेलेबल है, सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल है. ठीक है, सो आप कोई सा भी एक टेस्ट लीजिए, अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर चेक करिए. तो चलिए आज हम लोग एक फुल मॉक टेस्ट लेकर के देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसमें टेस्ट दे सकते हैं, अपना स्कोर चेक करेंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशंस को अच्छा करेंगे. सो जैसे कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पे Edutify प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे अगर आप, तो आपको यहाँ पे बायलिंगुअल टेस्ट अवेलेबल होंगे. अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं. सो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह है. सो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट वन ऑफ द पार्ट्स इज 45% ऑफ द नंबर, फाइंड द अदर पार्ट इफ द नंबर इज 200. एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उन भागों में से एक भाग संख्या का 45% है. यदि संख्या 200 है तो दूसरा भाग ज्ञात करें. सो अगर यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है तो आपको उसमें से पहला कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि सही है. सो आई एम चूजिंग 19. सो इस तरीके से आप जो भी आंसर्स आपके सही हैं आप उसको चूज करिए, सबमिट करिए और देखिए. सो यहाँ है, शेफाली वर्मा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. शेफाली वर्मा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी चेस प्लेयर, डी एथलीट. तो जिससे भी शेफाली शर्मा रिलेटेड है आप उसको टिक करिए एंड मूव टू नेक्स्ट. सो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फुल मॉक टेस्ट में आपको प्रोवाइडेड है पूरे 100 क्वेश्चंस. And there is a time limit. Within this time limit, you have to complete all the 100 questions. This will give you a real exam experience. And exams में जो questions आते हैं वही questions यहाँ पे place करे गए हैं, जो कि हमारी faculty ने बहुत ही preparations के साथ, years of experience के preparations के बाद ही आपके लिए mock test prepare किया है. सो जिसको भी ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, अभी Edutify.com लॉग इन करिए और टेस्ट दीजिए. सो आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर डालिए Edutify द लर्निंग ऐप, आपको वहाँ मिल जाएगी. डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल फोन्स में और यूज़ करिए. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स. ऑक्टोपस निम्नलिखित में से किस फाइलम से संबंधित है? सो यहाँ पे फोर आंसर्स हैं, जो सही आंसर है उसको आप सेलेक्ट करिए एंड सेव करिए.
इस तरह से अपना स्कोर चेक करिए।